इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे कर रहा है? ग्राउंड ऑपरेशन में सबसे मददगार हथियार कौन सा है? गाजा में अंदर तक पहुंचने के लिए इजराइल की सेना अपने रास्तों को कैसे साफ कर रही है? जवाब है इजराइल के टैंक से अटैक। इजराइल का तोप से हमला, लेकिन अमेरिका से जो खबर आई है वो इस ऑपरेशन की राह में रोड़े अटकाने वाली है। खबर है कि इजराइल का गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है, तोप के गोलों का गोदाम खाली हो चला है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में इजराइल के टैंक दम तोड़ने लगेंगे, इजराइल की तोपें गाजा में आग उगलना बंद कर देंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका से इजराइल के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है। गाजा की जमीन पर इजराइल बारूद की बारिश कर रहा है, बम बरसा रहा है, मिसाइलें चला रहा है, टैंकों से आग उगल रहा है, तोपों से गोले बरसाकर गाजा को तबाह करता जा रहा है। खबर है कि अब तक की जंग में इजराइल की सेना ने इतनी भारी तादाद में गोले दागे कि अब इजराइल को खुद गोलों की जरूरत महसूस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के गोले वाला गोदाम खाली हो रहा है और आने वाले वक्त में इजराइल को गोलों को इम्पोर्ट करना बहुत जरूरी है। परेशानी ये है कि इजराइल को तोप के गोले अमेरिका से मिलते हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को जितने गोलों की जरूरत है उतने अमेरिका अभी बना ही नहीं पा रहा है। अमेरिका रोज 500 गोले ही बना सकता है। इजराइल ने 155 एमएम के 10 लाख गोलों का ऑर्डर दे रखा है। दावे के मुताबिक ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि गाजा से जंग शुरू होने के बाद इजराइल के पास गोलों की कमी हो गई है। दावा तो यहाँ तक है कि इजराइल को इतने गोलों की जरूरत है जिसे अगर अभी नेटो देश मिलकर भी तैयार करें तब भी तैयार नहीं हो पाएंगे। गाजा जंग में इजराइल ने भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किया है। अगर हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो इजराइल का युद्ध और उसका गाजा के खिलाफ ऑपरेशन औंधे मुंह गिर जाएगा। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका में मौजूद हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट ले रहा है। बेन्यामिन नेतन्याहू की नज़र फैक्ट्री के उत्पादन पर है। इजरायली सेना की नज़र हथियारों की लॉन्चिंग और उससे खतरनाक गाजा की गलियों पर भी। इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। बाइडन नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री की रफ्तार धीमी पड़े क्योंकि इसराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक दाखिल हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल की सेना ने तोपों का इस्तेमाल ज्यादा किया। वजह है गाजा की घनी बसावट। गाजा शहरी और घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में इजराइल अगर वहां सीधे सेना को तैनात करता है तो हमास से युद्ध में आम लोगों की ज्यादा मौतें होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल की सेना अधिक से अधिक तोपों का इस्तेमाल कर रही है। इसी वजह से इसराइल के पास तोपों की गोलों की कमी पड़ गई। विदेशी मीडिया के मुताबिक इसराइल की सेना अपने एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से पहले गाजा में हमास लड़ाकों की लोकेशन ट्रैक करता है और फिर तोपों से उन टारगेट पर निशाना लगाता है। सवाल है, जब ये तोप का गोला जंग के लिए इतना जरूरी है फिर इजराइल जैसे देश का गोदाम इन गोलों से कैसे खाली हो गया? जवाब है यूक्रेन युद्ध। यूक्रेन की सेना रूस से लोहा लेने के लिए इन्हीं गोलों का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने इजराइल में रखे गोलों को यूक्रेन भेज दिया जिससे अब इजराइल के सामने संकट खड़ा हो गया है।
जनवरी 2023 में अमेरिका ने अपने इसराइल वाले गोदाम से 155 एमएम के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेज दिए। अमेरिका के इस फैसले से इसराइल में रखे गोलों की तादाद लगातार घटती गई। अमेरिका जैसे सुपर पावर भी हर महीने महज 14,000 तोप के गोले बना पाता है, जबकि हर महीने 10,000 गोलों की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। यही वजह है कि इसराइल को जितने गोलों की जरूरत है उतने नए गोले अमेरिका तैयार नहीं कर पा रहा है। वहीं इसराइल की सेना का दावा है कि वो गाजा में ऐसी आग बरसा रहा है जिसे गाजा में पहले कभी नहीं देखा गया था। हवा से, जमीन से, सुरंग और बंकर से इजरायली सेना के जवानों को जहां जगह मिल रही है, मिट्टी में मिला देने वाले रॉकेट को गाजा पर बिना निशाना साधे दाग दिया जा रहा है। इजरायली फौज ने हमास के हर छोटे बड़े लड़ाके और उनके ठिकाने को खत्म करने की सौगंध खा रखी है। गाजा पर 18,000 टन बारूद बरसने का दावा किया जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी में हर घंटे 42 बम दागे जा रहे हैं। 15 लोगों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इसराइल की सेना अब इतनी अंदर तक घुस गई है कि उसने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में काट डाला है। सवाल है कि अब हमास क्या करेगा? क्या वो सुरंग से बाहर आकर लड़ेगा या फिर इजरायली टैंकों के खिलाफ उसने नया गेम प्लान तैयार किया? क्योंकि इसराइल में गोलों की कमी की खबर हमास के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है।